हेलो फ्रेंड्स, ऑडियंस, स्टूडेंट, यू आर हार्टली कांग्रेचुलेशन इन यूनिक क्लासेज एस कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन चैप्टर का आज हम लोग इथाइल आयोडाइड पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स, C2H5I, इसे हम लोग पढ़ते हैं इथाइल आयोडाइड। देखेंगे इसको कैसे प्रयोगशाला में बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ए इथाइल आयोडाइड इन ए लैबोरेटरी बाई, ठीक ना फ्रेंड्स, हम लोग का हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड इन ए लेबोरेटरी। तो इसमें हम फ्रेंड्स क्या देंगे, फर्स्ट में दे रहे हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल यानी थियोरी, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, व्हेन इथाइल आयोडाइड इज ए प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरी बाई डिस्टिलिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ रेड फास्फोरस एंड आयोडीन। हेलो फ्रेंड्स, यानी हम लोग प्रयोगशाला में इथाइल आयोडाइड बनाने के लिए फ्रेंड्स इसका नियम है कि व्हेन इथाइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय डिस्टिलिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ रेड फास्फोरस एंड आयोडीन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम रिएक्शन देखेंगे फ्रेंड्स कैसे बनता है। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है फास्फोरस, ये है आयोडीन फ्रेंड्स, तो ये बना देगा Pi3, ठीक ना फ्रेंड्स। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 3 से गुना करें, 3 दूनी 6, अब यहाँ पर 2, आयोडीन 3 हो गया, फास्फोरस 2 हो गया, ये फ्रेंड्स हो गया। अब इसमें फ्रेंड्स क्या है, इथाइल अल्कोहल है, अब इससे ये फ्रेंड्स रिएक्शन करता है Pi3 फ्रेंड्स। अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स से इतना, अब इसको लिखेंगे, अब इससे यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये बनेगा फ्रेंड्स C2H5 और I प्लस S3 PO4 3। अब फ्रेंड्स इसको बैलेंस हम करेंगे, आयोडीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। उसके बाद अब इथाइल मोल यहाँ 3 हो गया, तो इसको भी यहाँ पर 3, ये देखिए आपका कंप्लीट बैलेंस हो गया रिएक्शन। आप देखेंगे हाइड्रोजन को, देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 18, आप इधर देखेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 18 एक्यूरेट है। आयोडीन देखेंगे इधर 3 है और इधर भी देखिए 3 है, दिस इज बैलेंस रिएक्शन। आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह हमको इथाइल आयोडाइड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अब हम फ्रेंड्स देखेंगे अदर मेथड, देखेंगे फ्रेंड्स अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड। हेलो फ्रेंड्स, यानी अब हम इसमें देखेंगे कि अन्य तरीका के माध्यम से कैसे हम लोग अब हम देखेंगे कि अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड, माने अन्य तरीका से हम लोग इथाइल आयोडाइड को कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स बाई डिस्टिलिंग इथाइल अल्कोहल विथ KI
के आई एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल। हेलो फ्रेंड्स, यानी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस इथाइल अल्कोहल में फ्रेंड्स के आई मिला देंगे फ्रेंड्स, और H2SO4 कंसंट्रेटेड रखेंगे फ्रेंड्स, तो इस संदर्भ में क्या बनता है फ्रेंड्स, इथाइल ऑक्साइड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये इसके साथ आएगा फ्रेंड्स, है ना, यहाँ से आएगा, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। अब ये क्या हो जाएगा, C2H5I, है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर H2 है तो इसमें से एक H ले रहे हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर OH है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स कर दिया H2O। अब फ्रेंड्स यहाँ पर H तो बचा है फ्रेंड, और SO4 बचा है फ्रेंड्स, यहाँ पर K है, तो ये फ्रेंड्स क्या होगा, KHSO4। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपका बन गया इथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट है दूसरा है फ्रेंड्स, बाई इंटर रिएक्शन बिटवीन इथिलीन एंड HI। देखें फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ये इथिलीन है फ्रेंड्स है, और ये फ्रेंड्स HI है फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे अब ये फ्रेंड्स इसमें जुट जाएगा, C2H4 है ना फ्रेंड्स, तो ये होगा C2H5 और क्या हो जाएगा I। देख रहे फ्रेंड्स, ये बन गया क्या चीज, इथाइल आयोडाइड। तीसरा मेथड है फ्रेंड्स, व्हेन वेपर ऑफ आयोडीन इज रिएक्ट्स विथ इथेन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट लाइट। देखेंगे फ्रेंड्स, यानी मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इथेन है फ्रेंड्स, इस इथेन को फ्रेंड्स हम लोग आयोडीन वेपर के साथ इसको फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, यूवी के उपस्थिति में करेंगे, तो ये इसका एक रिप्लेसमेंट करेगा फ्रेंड, देख रहे हैं ना, C2H5, और यहाँ से एक I2 आ जाएगा, तो I हो गया फ्रेंड्स, और प्लस क्या हो, एक यहाँ से H गया है फ्रेंड्स, I2 का एक आया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स HI। हेलो फ्रेंड्स, यानी आपने देखा फ्रेंड्स कि दिस इज लेबोरेटरी मेथड एंड दिस इज अदर मेथड। हेलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अब फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका पढ़ने जाएंगे फ्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल आयोडाइड, इट इज ए कलरलेस वैली लिक्विड सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी फ्रेंड्स इसका ये भौतिक गुण है, इथाइल आयोडाइड जो होता है रंगहीन होता है, और ये सोलेबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। नेक्स्ट दूसरा है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है फ्रेंड्स, इट इज वोलेटाइल लिक्विड
फोर में इसका है फ्रेंड्स, इट इज गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड वेल्स। यानी फ्रेंड्स ये एक बहुत अच्छा घोलक के रूप में रहता है इथाइल आयोडाइड में फ्रेंड्स वेल, और किसी भी फैट्स को भी वसा को इसमें हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो वो घुल जाता है, सोलेबल हो जाता है, जिसे हम लोग फैट्स ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल आयोडाइड फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स हम फर्स्ट में फ्रेंड्स दे रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रिएक्शन विथ एक्वस KOH सॉल्यूशन। द फ्रेंड्स इसका लिखेंगे व्हेन इथाइल आयोडाइड इज ए रिएक्ट्स विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH इथाइल अल्कोहल इज ए फॉर्मेड। ये देखिए फ्रेंड्स मैं कैसे रिएक्शन बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम इथाइल आयोडाइड फ्रेंड्स ले लिए। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, KOH है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है ये फ्रेंड्स एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए फ्रेंड्स मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, इसको ये और ये फ्रेंड्स, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये एक साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स C2H5OH। बाकी ये हो गया फ्रेंड्स KI, तो इसे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स ये बन गया इथाइल अल्कोहल।